अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटर टीवी। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6, और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स विद नोमेनक्लेचर्स। स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है, जैसा कि एसाइल हैलाइड्स है, अमाइड्स है, एस्टर्स है और एसिड एनहाइड्राइड्स है, इनका अलग अलग नोमेनक्लेचर भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स के लेक्चर्स के अंदर। लेकिन यहाँ चूँकि चैप्टर के साथ ये टॉपिक आ रहा है और आगे इसका कन्वर्जन भी हमने डिस्कस करना है, इसलिए मैं आपको मुख्तसरन यहाँ पर इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स विद नोमेनक्लेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स बनने वाले, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनने वाले। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखना, ठीक। तो चलिए जी, दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म, ऐसे कंपाउंड्स जो बनते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है तबादला, यानी किसी एटम को निकाल कर उसकी जगह कोई और एटम या कोई एटमों का ग्रुप लगाना। मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं स्टूडेंट्स, देखिए ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो OH है इसको यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ और इस OH की जगह मैं क्लोरीन लगा लेता हूँ। तो मैंने OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसका तबादला कर दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक। अब ये क्या है, पहले ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव बन चुका है, ठीक। तो दोबारा देखिए, वो कंपाउंड्स जो बनते हैं तबादला करने से एटम्स का, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के, तो वो कंपाउंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के एटमों के तबादले से बनते हैं आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। तो इसमें पहला है एसाइल हैलाइड्स, ठीक, पहला क्या स्टूडेंट्स, इसमें एसाइल हैलाइड्स। पहले हम इसको समझते हैं कि एसाइल हैलाइड्स होते क्या हैं, ठीक, या इनका नोमेनक्लेचर क्या है। तो एसाइल हैलाइड्स का मैं आपको सिर्फ सिंपली एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बता दूं, इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH होता है उसको हम रिमूव करते हैं किसी एलोजन के साथ, वो एलोजन क्लोरीन भी हो सकता है और वो एलोजन ब्रोमीन भी हो सकता है और वो एलोजन आयोडीन भी हो सकता है, यानी कोई भी हो सकता है, ठीक। मैं यहाँ पर दो तीन एग्जाम्पल्स डिस्कस करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक। फ़र्ज़ करें मैं इधर कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ ताकि आपको मैं फिर समझा सकूँ, ठीक। ये वाला, ये तीन स्ट्रक्चर्स मैंने बना लिए। अब देखिए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता था तो उसके नाम के आखिर में ओइक एसिड आता था। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के आखिर में क्या आता था स्टूडेंट्स, ओइक एसिड, ठीक। जैसे मीथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। आपने क्या करना है, इस ओइक एसिड को ख़त्म करके इसकी जगह आपने आयल एलाइड लगा देना है। क्या लगा देना है, इसको ख़त्म करके आपने इसकी जगह आयल हैलाइड लगा देना है, ठीक। अब क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, पहले इसका नाम स्टूडेंट्स क्या था, पहले ये कंपाउंड ये वाला था, मैं आपको ज़रा इसका पुराना कंपाउंड भी बता दूं, ठीक। ये पहले इसका नाम था मीथानोइक एसिड, आपने इस एच को ख़त्म करके इधर क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया। अब मीथानोइक एसिड का आपने ओइक एसिड ख़त्म करना है और आखिर में ऑयल लगा देना है, ठीक। तो ये बन जाएगा मीथानोइल, क्या बन जाएगा, मीथानोइल, ठीक। तो ऑयल क्लो एलाइड भी हम कहते हैं कि ऑयल एलाइड भी लगाते हैं, ठीक। तो मीथानोइल क्लोराइड बन जाएगा, ये आपने इसके आखिर में ओइक एसिड की जगह लगा देना है, ठीक, ये ऑयल एलाइड, तो मीथानोइल क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स, ये दो कार्बन है, दो को ईथा, अब अगर इधर एसिड होता OH होता, ठीक, तो हम इसे कहते हैं ईथानोइक एसिड। अब OH को हमने रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन के साथ, तो ये बन जाएगा ईथानोइक एसिड से ईथानोइल ब्रोमाइड, ठीक, ईथानोइल ब्रोमाइड।
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये 1, 2, 3 तीन कार्बन है, सही। और कार्बन 2 पे क्लोरीन है, तो पहले एच ग्रुप का नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, उसके बाद 3 कार्बन है, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे प्रोपानोइल क्लोराइड, ठीक। अगर ये एसिड होता तो प्रोपानोइक एसिड, अब चूंकि एसिड नहीं है तो हमने इसको ओइक एसिड को रिप्लेस कर दिया ऑयल क्लोराइड से, तो ये बन गया 2-क्लोरोप्रोपानोइल क्लोराइड, ठीक। चले स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अमाइड्स। अब अमाइड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का ओएच ग्रुप है, सही, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं और इसकी जगह हम लगा लेते हैं NH2 को, और इनके नाम के आखिर में ओइक एसिड की जगह क्या लगेगा, अमाइड, ठीक। इनके नाम में एसिड की जगह क्या लग जाएगा, अमाइड लग जाएगा, ठीक है। हमने इसके नाम का जो आखिर में एसिड आता था उसे रिप्लेस करके अमाइड, मिसाल के तौर पर ये मीथानोइक एसिड था तो हम इसे मीथेन अमाइड बोलेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ, ठीक। अब देखिए जी, ये पहला वाला एग्जांपल, ठीक, एक कार्बन वाला, इसके साथ NH2 लग गया। तो पहले अगर ये एसिड होता यानी यहाँ OH होता तो इसका नाम होता मीथानोइक एसिड, अब चूंकि हमने इसको रिप्लेस कर दिया NH2 के साथ तो इसका नाम होगा मीथेन अमाइड। क्या नाम होगा इसका स्टूडेंट्स, इसका नाम होगा मीथेन अमाइड, ठीक, मीथेन अमाइड। और इसे जो है एक कॉमन नेम से भी जाहिर करते हैं जिसे हम कहते हैं फॉर्म अमाइड। क्या कहते हैं इसको, फॉर्म अमाइड, इसका कॉमन नेम है, ठीक। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं 2 कार्बन वाले का एग्जांपल लिख लूँ तो ये वाला, ठीक, NH2, और मैं इधर एक और कार्बन भी बना लेता हूँ तो 1, 2, 2 कार्बन है, इसे हम कहेंगे ईथेन अमाइड, ईथानोइक एसिड की जगह ईथेन अमाइड, ठीक है, ईथेन अमाइड। और इसका कॉमन नेम जो मशहूर है वो है एसिड अमाइड, ठीक, एसिड अमाइड। इसी तरह अगर 3 कार्बन वाला कोई कार्बन का चेन में बना लूँ, ठीक है, अमाइड का, जिसमें अटैच ग्रुप भी लगा लूँ, लेट से ये मैंने बना लिया, ठीक, ये 1, 2, 3, तो 2 पे क्या है, क्लोरो है, तो पहले अटैच ग्रुप का नाम लिखेंगे 2-क्लोरो, ये 2 पे क्लोरो है तो पहले अटैच ग्रुप का नाम ही आएगा 2-क्लोरो। उसके बाद 3 कार्बन है, 3 को हम प्रोपेन बोलेंगे और आखिर में अमाइड लगाएंगे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपेन अमाइड, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव पे चलते हैं स्टूडेंट्स, एस्टर्स। अब एस्टर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक, ये वाला, इस कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के हम यहाँ से सिर्फ एच को रिप्लेस करते हैं और इस एच की जगह पर हम कोई और कार्बन का ग्रुप कोई या कोई अल्काइल ग्रुप जिसे हम कहते हैं लगा लेते हैं, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एक एसिड होता था स्टूडेंट, इसके नाम के आखिर में जो आता था एक एसिड, जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये एच होता तो इसका नाम होता मीथानोइक एसिड, ठीक, मीथानोइक एसिड। तो ये जो एक एसिड है इसे हम रिप्लेस कर देंगे, यानी जब इस एच को ख़त्म करके हम यहाँ कोई और ग्रुप लगा देंगे तो ये एक एसिड क्या हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, या ओइक एसिड क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह पर हम 8 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसकी जगह हम 8 लगाएंगे, ठीक है। जैसे मीथानोइक एसिड से ये बन जाएगा मीथानोएट, क्या बन जाएगा, मीथानोइक एसिड से बन जाएगा मीथानोएट, ठीक। तो चलिए जी कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेते हैं, ठीक है, एस्टर्स के कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको इसके नाम बताता हूँ। तो फ़र्ज़ करें अगर ये एक CH3 अगर इस तरफ आकर के लग जाए तो इसे हम कहते हैं मिथाइल, चूँकि ये मिथाइल ग्रुप लगा स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को आपने अलग से ज़ाहिर करना है, ठीक है, इसे आपने अलग से ज़ाहिर करना है, तो इधर लगा हुआ है मिथाइल, और इसके बाद ये जो एक कार्बन वाला है इसे हम कहते हैं मीथानोएट, मिथाइल मीथानोएट, ठीक। अब अगला एग्जांपल देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक, ये मैंने बना लिया ये, ठीक। उसके बाद इस तरफ मैं लगा लेता हूँ एस्टर, ये एस्टर ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये जो COO एस्टर है, इसके बाद मैं इधर CH2 CH3 लगा लेता हूँ, तो अगर आप गौर करें ये CH2 CH3 ये इथाइल ग्रुप है, क्या चीज़ है, ये इथाइल है, ठीक। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले इस इथाइल ग्रुप को लिखूँगा,
इथाइल, और फिर ये सी दो कार्बन है तो इसको हम कहेंगे इथानोएट। ठीक है, इथानोइक एसिड से क्या बन जाएगा? इथानोएट, इथाइल इथानोएट, क्या बन जाएगा? इथाइल इथानोएट। ठीक, तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके हम नाम रखेंगे। अब इसके बाद में लास्ट वाले पर चलता हूँ स्टूडेंट्स। लास्ट वाला है एसिड एनहाइड्राइड। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कार्बोऑक्सैलिक एसिड है, ठीक, ये वाला सही, इस कार्बोऑक्सैलिक एसिड में हम क्या करते हैं कि इसका जो एच है इसको हम रिमूव करते हैं, और इसके बाद एक और कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पर आकर लग जाता है। ठीक, कोई और कार्बोनाइल कार्बन भी यहाँ कर लग जाता है। ठीक, तो ये बन जाता है एनहाइड्राइड। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो नाम होता है इसका एसिड, यानी इसके आखिर में आता था एसिड, जैसे कि ये था मीथा नोइक एसिड। ठीक, तो ये जो एसिड नाम इसके आखिर में आता था स्टूडेंट्स, इसको हमने रिप्लेस कर देना है किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ? इसे हम रिप्लेस कर देंगे एनहाइड्राइड के साथ। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर ये एक कार्बन वाला एसिड था, ठीक, हमने इसके एच को रिमूव कर दिया, ये वाला। ठीक, इसकी जगह हमने कार्बोनाइल कार्बन और CH3, या लेट्स से कार्बोनाइल कार्बन और एच लगा दिया। ठीक, अब ये बन जाएगा मीथानोइक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा? मीथानोइक। देखिए, ये पहले पोर्शन था मीथानोइक एसिड, जब यहाँ एच मौजूद था मीथानोइक एसिड, तो एसिड को हमने ख़त्म कर दिया, इस जगह की वजह से हमने इसको एनहाइड्राइड किया। ठीक, मीथानोइक एनहाइड्राइड, ये मीथानोइक एनहाइड्राइड। ठीक, अब मैं आपको आगे बता दूंगा सोर्स एनहाइड्राइड का मतलब यहाँ पर क्या है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसकी एच को हमने रिप्लेस कर दिया, उसके बाद ये इसके साथ लग गया कार्बोनाइल कार्बन और CH3। ठीक, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये मीथेन पोर्शन है इसका। क्या है? मीथेन पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, यानी इसे हम पहले मीथानोइक एसिड कहते थे, और अगर इधर आप गौर करें दो कार्बन, ये इथानोइक पोर्शन है। सही, अब ABC के लिहाज से चूंकि ई पहले आता है तो इसलिए हम पहले लिखेंगे इथानोइक, यानी इस पोर्शन का नाम लिखेंगे इसका, ठीक है, पहले पर इथानोइक। फिर ये CH, ये एक कार्बन है तो इसे मीथेन कहते हैं, तो इसे बोलेंगे मीथानोइक। ठीक, तो इथानोइक, मीथानोइक, और आखिर में हम लगा देंगे एनहाइड्राइड। मीथानोइक, इथानोइक, और आखिर में क्या लगाएंगे? एनहाइड्राइड। में एक और एग्जांपल भी लिख लूँ ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो सके। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस तरफ दो कार्बन ले लेता हूँ और इस तरफ मैं तीन कार्बन ले लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स आप गौर करिए, ये तीन कार्बन है प्रोपानोइक एसिड और ये दो कार्बन है इथानोइक एसिड। तो इथा पहले आता है, यानी ई पहले आएगा इथा का, और पी ABC के लिए से बाद में, तो पहले हम लिखेंगे इथानोइक, फिर उसके बाद लिखेंगे प्रोपानोइक। ठीक, इथानोइक, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रोपानोइक। आखिर में लगा देंगे इसका एनहाइड्राइड, इथानोइक प्रोपानोइक एनहाइड्राइड। अब स्टूडेंट्स, असल बात में जो आपको समझाना चाह रहा था एनहाइड्राइड का, उसका क्या मतलब है? देखिए, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये दूसरा कंपाउंड है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक, ये वाला। अब होता ये है स्टूडेंट्स कि इन दोनों में से वाटर मालिक्यूल असल में रिलीज़ हो जाता है। ठीक, वाटर मालिक्यूल जब निकल जाता है तो हम इसे कहते हैं एनहाइड्राइड। तो अगर आप गौर करें, ये क्या चीज़ था पहले? इथानोइक एसिड था। ठीक, इथानोइक एसिड था, अब जब, और ये वाला भी इथानोइक एसिड था, तो जब ये इथानोइक एसिड में से, इनके बीच से वाटर निकल जाएगा तो हम इसके आखिर में फिर क्या लगाएंगे? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब है खुश्क हो जाना, वाटर का निकल जाना। ठीक, इस वजह से हम इसको एनहाइड्राइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ से वाटर मालिक्यूल रिमूव होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई भी चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।